प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नेहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ने महिला और यूथ के कॉम्बिनेशन पर जोर दिया है, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। इस नए MY समीकरण के सवाल पर कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वह कांग्रेस के फायदे की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि इसमें यूपी की जनता का फायदा है या नहीं। उन्होंने कहा कि आज संकट बहुत बड़ा है, जनता भी यही कह रही है, हर घर में संकट और संघर्ष है, इसे केवल विकास की राजनीति ही दूर कर सकती है। इस लड़ाई में महिला और युवा सबसे महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी एक कार्यक्रम के घोषणा पत्र में सवालों के जवाब दे रही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह MY कॉम्बिनेशन चुनाव जीत दिलवाएगा, इस पर प्रियंका कहती हुई नजर आई कि वो इससे जीत मिलने की बात नहीं कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप अपने प्रदेश को सक्षम बनाएं, आप अपने प्रदेश को आगे ले जाएंगे, मेरी जीत या हार इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ेगा कि आपके प्रदेश में कैसी राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि आज वो राजनीति चल रही है उसके जरिए आपको बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उससे आपका पेट नहीं भरेगा। उन्होंने कहा कि अभी देश जिस दिशा में चल रहा है वह सही नहीं है, अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है वह ठीक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव संगठन को मजबूत करने के लिए लड़ रही हैं या चुनाव जीतने के लिए, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बिना संगठन को मजबूत किए हम चुनाव नहीं जीत सकते, यह एक लंबा और संघर्ष भरा रास्ता है। 2 साल पहले जब मैं यूपी आई थी तो संगठन काफी लचर था, लेकिन आज हम न्याय पंचायत स्तर तक पहुंच गए। हमें जितना संघर्ष किया उतना तो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी लड़ाई गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार से है। स्थिति में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले सरकार बनने दीजिए, ये सब भविष्य की बातें हैं, अब इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए SBI 9 न्यूज़ देखते रहिएगा। धन्यवाद।